Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the chapter Who's the Greatest of 6th Standard SSC. So, let's begin. Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because He was a good human being. तो Emperor Akbar, आपने नाम सुना होगा अकबर the Great का, जो बहुत ही greatest rulers कहलाए जाते हैं, इस पूरे world के सबसे अच्छे rulers में से एक हैं वे. Not just, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा empire है, या फिर उनका जो राज्य है वो बहुत बड़ा है या बड़ा था, या उनके पास जो army थी वो बहुत ही strong थी, उनके पास बहुत सारा वेल्थ था, वेल्थ मीन्स धन, बहुत सारा पैसा था उनके पास, इस कारण से नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि वे बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग थे. ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स, वो अपनी प्रजा के लिए हमेशा उनका ध्यान रखते थे प्रजा का. ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स. और उनके मन में बहुत ही रिस्पेक्ट था स्कॉलर्स, स्कॉलर्स मीन्स स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में, राइटर्स के लिए जो लिखते हैं, जो पोएम लिखते हैं उनके लिए, जो आर्टिस्ट होते हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों. तो अकबर उन सब का बहुत ही सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे. ही यूज़ टू रिस्पेक्ट दीज ऑल पीपल. ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर मीन्स द वन who appreciates and encourages art and culture. तो he also used to appreciate, वे भी appreciate करते थे, तारीफ करते थे और उसको हमेशा encourage करते थे. The nine gems or Navratn in his court were famous. और उनके court में nine gems और या Navratn, रत्न means gem, जो कहते हैं ना हम jewelry में रत्न होते हैं ना, जैसे हीरे मोती सब क्या होते हैं, रत्न होते हैं. तो इसी तरह उनके पास nine gems थे जिसमें से बिरबल उनके दिल के सबसे पास था, मीन्स बिरबल उनको बहुत ही प्रिय था, बहुत अच्छा मानते थे वो बिरबल को. अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट एंड बिरबल नेवर फेल्ड टू कम अप विद एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर. अकबर को क्या पसंद था, उनके कोर्ट में अलग अलग प्रॉब्लम्स आए सामने, डिफ़िकल्टीज आए, और बिरबल उसको कभी भी उन डिफ़िकल्टी के अच्छे आंसर देने में फेल नहीं होता था. दैट मीन्स वो हमेशा इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर, दैट मीन्स उन प्रॉब्लम्स का इंटरेस्टिंग सोल्यूशन फाइंड करता था बिरबल. और अकबर को क्या अच्छा लगता था, अकबर को अच्छा लगता था कि कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स उसके सामने हैं और बिरबल क्या करता था, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड करता था. सो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, वाई इज़ अकबर द ग्रेट नोन एज द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड. I am repeating the question, why is Akbar the Great known as the greatest ruler in the world? Akbar, जो महान अकबर थे उनको सबसे अच्छा means greatest rulers क्यों कहा जाता था? Second question is, who was the closest to emperor's heart of the nine gems? Who was the closest to emperor's heart of the nine gems? Nine gem या नवरत्न में से सबसे करीब उनके कौन था? आगे बढ़ते हैं. We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. हमें नहीं पता कि अकबर और बिरबल की जो स्टोरीज हम सुनते आए हैं, आपने भी कई बार टीवी में देखा होगा, टीवी में भी आप सीरियल आते हैं, कई बार कॉमेडी सीरियल आता है, अकबर बिरबल से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं, टेल्स होती हैं, तो आपने भी कभी ना कभी ये बात सुनी होगी, इनकी कुछ कहानी सुनी होगी. ओके, तो ये नहीं पता कि वो कहानी सच है या फिर झूठ. दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशंस मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ. और वो सिर्फ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक गई है, वो भी लिखित, मीन्स उनका कुछ रिटन हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ बोला गया है, मीन्स सुना है. तो आप कह सकते हैं कि ये सुनने में आया है कि ऐसी स्टोरीज हुआ करती थी. ये रहा टू ऑफ देम, कुछ टू स्टोरीज हैं उनको यहाँ पे शेयर किया है. वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस स्टोरी, लिसन केयरफुली. वन डे द एम्परर एंटर्ड द कोर्ट विद अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस.
एक दिन एम्परर अपने कोर्ट में आते हैं एंड द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस वॉज सीरियस, उनका फेस सीरियस था, एक्सप्रेशन सीरियस था. एज सुन एज ही वॉज सीटेड ही आस्क्ड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. जैसे ही वे बैठे अपनी जगह पर, उन्होंने पूछा कि उन्होंने कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए. वॉट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माई मिस्टेक. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मेरी मिस्टेक्स मीन्स मूच, तो उन्हें कहा कि अगर किसी ने मेरी मिस्टेक को खींचा तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए. द कोर्ट वॉज स्टंड, स्टंड मीन्स एकदम शॉक हो गए वो. पुल द एम्परर्स मिस्टेक, उन्होंने सोचा किसकी ऐसी हिम्मत है जिसने एम्परर की मिस्टेक्स को खींचा. इट वॉज अनहर्ड ऑफ, अभी तक ऐसा कभी सुनने में ही नहीं आया. फ्लॉग हिम, किसी ने कहा कि उसको मारो. गिव हिम 50 lashes ऑफ द विप, उन्होंने कहा कि आपका जो विप है, विप मीन्स अ काइंड ऑफ हंटर, उन्होंने कहा कि उससे उसको 50 times मारो उस चीज़ से. एक्सक्लेम्ड वन नोबल मैन, एक आदमी ने ऐसा कहा. दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर. दूसरे ने कहा कि इतना सफिशेंट नहीं होगा, उसको जेल में डालो, उसको खाना पीना कुछ भी मत दो. विप हिम, और उसे मारो. बीट हिम अप, उसे बहुत मारो. हैंग हिम, उसे हैंग कर दो. कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स, ऑफेंडिंग मीन्स जिसने क्राइम किया है, जिसने प्रॉब्लम की है, जिसने ये गुनाह किया है, उसके हाथ काट दो. द एजिटेटेड कोर्टियर्स बिगैन टू क्राई आउट, और सब डिस्टर्ब हो गए थे, सबको एकदम हिल गए थे वो सोच के कि ऐसा कौन कर सकता है, और इसलिए वो शाउट करने लगे. क्राई करना यहाँ पे मीन्स चिल्लाने लगे कि ये पनिशमेंट दो, वो पनिशमेंट दो. ओनली बिरबल वॉज साइलेंट, ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल. और सब बोल रहे थे, उस बीच बिरबल एकदम चुपचाप थे, जबकि वो तो हंस रहे थे, उनके चेहरे पे मुस्कान थी. वॉट डू यू से बिरबल, वॉट इज़ योर ओपिनियन. एम्परर ने पूछा कि तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या मानना है. ओपिनियन मीन्स तुम्हारा क्या सोचना है, उसके लिए क्या व्यू है. इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमीट्स. उसने कहा कि मेरे ओपिनियन में, मेरे व्यू में तो पीस देने वाले दुनिया को, मीन्स उनको बोलते हुए कहा कि जो आप दुनिया को पीस देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, जिसने ये काम किया है उसको उसके फेवरेट मिठाई देनी चाहिए. राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गिव स्वीट 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 मीट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस. द कोर्टियर्स बिगेन टू से, जो कोर्टियर्स थे, जो आसपास के सब वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि राजा बिरबल, आप क्या अपने दिमाग से क्या सोच रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि जिसने ऐसा महान, इतना भयंकर वाला काम किया है, इतना बुरा काम किया है, महान इन द सेंस बहुत ग्रेट बैड वर्क बोलते ना कि बहुत ज़्यादा ही एक लिमिट से आगे का काम, तो उन्होंने इतना बुरा काम किया है, उसका आप मिठाई देने की बात कर रहे हो. कोर्टियर्स ने ऐसा कहा. बिरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन, उसने कहा कि मैं एक्सप्लेन करूं. यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मिस्टेक, ओनली हिज ओन ग्रैंडसन. उसने कहा कि अच्छा बताओ, किसकी ऐसी हिम्मत है जो एम्परर की मिस्टेक को पुल करेगा, सिर्फ उनका ग्रैंडसन ऐसा कर सकता है. व्हेन अकबर हर्ड दिस ही बर्स्ट आउट लाफिंग, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड इन द मॉर्निंग. और अकबर ये सुन के एकदम हंसने लगे. क्यों? क्योंकि वही ऐसा ही हुआ था मॉर्निंग में, तो ये बात सुन के वे भी हंसने लगे. तो आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता था, तो वो मोस्टली बिरबल के थ्रू ही मिलता था. ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके, बिफोर दैट योर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ एम्परर अकबर. एम्परर अकबर का क्वेश्चन क्या था. ओके, मूविंग अहेड, ऑन अनादर ओकेजन अकबर वॉज रिलैक्सिंग विद सम ऑफ हिज कोर्टियर्स. दूसरे टाइम की बात है, अकबर अपने कोर्टियर्स के साथ रिलैक्स हुए थे, बैठे थे. अ फ्यू ऑफ देम थॉट दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शोर प्रेज ऑन द एम्परर एंड गेट सम फेवर्स फ्रॉम हिम. कुछ जो कोर्टियर्स थे, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम क्या करते हैं, एम्परर की तारीफ करते हैं और हमारा जो काम है वो निकलवा लेते हैं. हमारा कुछ भी काम होगा तो हम तारीफ करके उनसे करवा लेंगे. दे बिगेन टू कम्पीट विद ईच अदर एंड प्रेजिंग अकबर. और वो क्या करने लगे, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करने लगे.
अकबर को प्रेस करने के लिए। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, एक ने कहा कि आप सारे किंग में सबसे ग्रेट हो। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स एंड एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, दूसरे ने कहा कि आप तो दुनिया में जितने भी एम्परर्स जितने भी किंग रहे उन सबसे महान हो। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन और अर्थ, और एक ने तो कहा कि इस हेवन मीन्स हेवन में और अर्थ में जितने भी महान लोग हैं उन सबसे भी आप महान हो। यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी, और एक ने तो ये भी कहा कि आप भगवान के जितने महान हो, और दूसरे ने कहा ना यू आर ग्रेटर देन द गॉड ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मीन्स गॉड भगवान। तो उन्होंने कहा कि आप तो भगवान से भी, ऑलमाइटी को भी गॉड कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप तो भगवान से भी महान हो। नाउ अकबर वॉज नो फूल, वो फूल तो नहीं था, वो समझ तो रहा था। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज, और उसको ये झूठी तारीफ पसंद भी नहीं थी। ही स्टॉप द कोर्टियर्स एंड आस्क्ड, उसने कोर्टियर्स को स्टॉप किया और पूछा डू यू ऑल बिलीव सो, उसने पूछा कि क्या आप सबको ऐसा लगता है और आप इस चीज़ में यकीन करते हो। यस दे आंसर इन वन वॉइस, सब ने हाँ कहा। ऑल राइट देन प्रूव इट टू मी, टेल मी एट लीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू। फिर उसने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे प्रूव करो, मुझे कोई ऐसी एक चीज़ बताओ जो मैं कर सका हूँ भगवान नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल ऑल इनकर आर रॉयल डिस्प्लेजर। रॉयल डिस्प्लेजर का मतलब होता है कोई राज मीन्स राजा के थ्रू कोई सा ऐसा पनिशमेंट दिया जाए या आपको एकदम गुस्सा हो, जैसे इमेजिन करो कि किंग या एम्परर गुस्सा हो जाए तो वो सामने वाले को कितना बुरा पनिश करेगा, राइट? सो दैट इज़ रॉयल डिस्प्लेजर। तो उन्होंने यही बोला कि अगर तुमने मुझे कोई रीज़न नहीं बताया तो तुम्हें मेरा गुस्सा झेलना होगा, इनकार मीन्स आपको पनिशमेंट मिलेगा। यू हैव टिल टमोरो मॉर्निंग टू प्रूव इट, उन्होंने कहा कि आपके पास कल का दिन है प्रूव करने के लिए। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियर्स, और अकबर ने उस जगह को वहाँ से छोड़ दिया उनको देखे बिना। दे वर इन अ प्रॉपर फिक्स, अब वो प्रॉपर फिक्स इन द सेंस बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। दे थॉट एंड थॉट बट कुडंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग, वो सोच रहे थे बहुत सोचा लेकिन उनको तो ऐसी कोई चीज़ मिली ही नहीं जो अकबर कर सकते हैं भगवान नहीं। इन द एंड दे वेंट टू बिरबल, फाइनली वो बिरबल के पास गए। व्हेन बिरबल हर्ड द स्टोरी ही टोल्ड देम नॉट टू वरी, बिरबल ने जब उनकी कहानी सुनी बिरबल ने कहा चिंता मत करो। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज फुल, अगले दिन कोर्ट पूरी तरह से फुल था, भरा हुआ था। एवरी वन वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट, और सब क्यूरियस थे, सब एकदम एक्साइटेड थे ये देखने के लिए अब क्या होगा। वेल सेड द एम्परर हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर, उन्होंने कहा एम्परर ने कि ठीक है क्या आपके पास मेरे क्वेश्चन का आंसर है या फिर आप रेडी हो कोर्ट से जाने के लिए। जस्ट देन बिरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बोर्ड लो, स्टेप मीन्स बिरबल आगे आए और अपना सिर झुकाया। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट, उसने कहा कि प्लीज़ उनसे गुस्सा मत हो जिनको लगता है कि आप बहुत ही महान हैं। देयर आर सर्टेनली एट लीस्ट वन थिंग दैट यू कैन डू बट द गॉड ऑलमाइटी कैन नॉट, उन्होंने कहा कि एक चीज़ तो है जो आप कर सकते हो लेकिन भगवान नहीं कर सकते, वो चीज़ क्या है, लेट अस सी। अकबर लुक्ड एट बिरबल थॉटफुली, उसे सोचते हुए बिरबल की तरफ देखा अकबर ने। एंड वॉट इज दैट थिंग, और पूछा कि वो चीज़ क्या है। वेन यू वॉन्ट टू पनिश समवन यू कैन बैनिश दैट पर्सन, यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड्स एवरीवेयर, द ऑलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनी वन फ्रॉम हिज किंगडम। देखो उसने कितना अच्छा आंसर दिया, उसने कहा कि आप चाहो तो किसी को पनिश कर सकते हो, आप चाहो तो किसी को आपके किंगडम से बाहर फेंक सकते हो, बैनिशमेंट सेंड कर देना तो अपने किंगडम से आप बाहर उसको फेंक सकते हो या भगा सकते हो या उसको जाने को कह सकते हो, लेकिन गॉड का किंगडम तो पूरी अर्थ है, तो ऑलमाइटी तो किसी को नहीं निकाल सकता अपने किंगडम में से, तो डिफरेंस हो गया, आप निकाल सकते हो पर भगवान नहीं निकाल सकता किसी को अपने किंगडम में से, क्योंकि जो पूरा यूनिवर्स है वो ही गॉड का किंगडम है, तो भगवान तो किसी को अपने किंगडम से बाहर नहीं निकालेगा।
अकबर्स फेस वॉज लिट अप विद अ स्माइल, उसके फेस पे स्माइल आ गई। दैट वॉज वेरी क्लेवर बिरबल, उसने कहा कि ये बड़ा क्लेवर आंसर था। वाइल शोइंग हाउ आई हैड एन एडवांटेज यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज ग्रेटर आई बिलीव यू, उसने कहा कि मुझे एडवांटेज तो मिला, मीन्स ये बताया कि मेरे में मैं क्या काम कर सकता हूँ, एट द सेम टाइम आपने ये भी बताया कि भगवान कितने ग्रेट हैं और मैं आपकी बात पे विश्वास करता हूँ। अकबर वॉज सो प्लीज विद द आंसर दैट ही फॉरगेव द कोर्टियर्स फॉर द स्टुपिडिटी, और अकबर इतने खुश थे इस आंसर से कि उन्होंने कोर्टियर्स की जो स्टुपिड थिंग उन्होंने किया था, जो स्टुपिड एक्ट उन्होंने किया था, उसको उन्होंने माफ़ कर दिया। सो योर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हाउ डिड बिरबल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कोर्टियर्स, हाउ डिड बिरबल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कोर्टियर्स। ओके देन द चैप्टर एंड्स ओवर हियर, इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन टेक केयर, स्टे सेफ।